झाड़सोड़ा कस्बे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक और जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वहीं चित्तौड़गढ़ के झाड़सोड़ा कस्बे में क्षेत्र के अधिकारी और विधायक इस ओर गंभीर नहीं दिख रहे हैं। लोगों को 10 बजे का समय देने के बावजूद लगभग 12 बजे तक भी न कोई अधिकारी पहुंचा और न खुद विधायक पहुंचे। सुबह से ही क्षेत्र के लोगों ने कैंप में पहुंचना शुरू कर दिया और सभी को इंतजार में बैठे रहना पड़ा। ऐसे में आम जन में आक्रोश भी देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनजाति तक पहुंचाना और लाभ देना है, साथ ही जन समस्याओं का निवारण भी करना है। जैसा कि आपको पता है कि आज झाड़सोड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारत सरकार की 17 योजनाएं हैं, इसके लिए लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं यहाँ पे। इसमें लोगों का जो है योजनाओं में नामांकन हो रहा है और जो विभाग की 17 विभागों की योजनाएं हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। और लोग बता रहे हैं कि शिविर में आने के बाद कोई योजना का या हमारे कुछ चीज़ों का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, जैसे लोग ऐसे निराश होकर जा रहे हैं। फिर इसमें आपका क्या कहना है? लोगों को निराश होने, साइड नहीं चलना, गेहूँ नहीं मिल रहा है, पेंशन नहीं मिल रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास में वो चक्कर काट रहे हैं, तो इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, नए नाम जो है ग्राम सभा यहाँ चल रही है, नए नाम भी लिए जा रहे हैं, और जो है राशन गेहूँ ना मिल पाना, ये ऊपर की तरफ से पोर्टल बंद है, जब पोर्टल खुलेगा ये तब लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा। बात की जा सकती है कि जैसे शिविर का टाइम है 10 बजे का, अधिकारी उसमें 12:15 बजे तक पहुंच रहे हैं, 12:15 बजे तक पहुंच रहे हैं, 12:30 बजे तक पहुंच रहे हैं, क्या कहना है आपको? सभी अधिकारी समय पर पहुंचे हैं, पंचायती राज विभाग का ये मुख्य जो है विभाग है इसमें, और पंचायती राज विभाग से सभी अधिकारियों ने 10 बजे जो है कैंप शुरू कर लिया। लोगों का आना लेट होता है क्योंकि सर्दी की वजह से लोगों का आना जो है लेट। कागज पारा करावन, मकान का पैसा नहीं आया, लेटरिन का पैसा नहीं आया, कई सुविधा को नहीं मारे कहा बटे कितने बजे आया, कोई अधिकारी आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया, नहीं आया, बैठा है सब। आप कितने बजे आया गया? 10 बजे के बाद कोई अधिकारी नहीं आया? तहसीलदार एसडीएम कोई नहीं आया ना? गाँव का जनप्रतिनिधि बेराजी आया, तो माला मोली बेराजी, मारो नाम मुकम कुमार है, मारा ना तो पेंसिल आ रही, 2-3 महीना बैठ गया जी। और गैस कनेक्शन को? गैस तो है सरकार की, तो जो सरकार जाने गैस दी तो, मकान का पैसा नहीं आया हमारे, ना लेटिंग का डोल लाग रही, पर बाद में लेने की को नहीं आई मारे, और मारे बेटो नहीं मनक नहीं, मुझे एक ली हूँ तो बेच गया है मगर हारे मैं, उसके हिसाब से मीटिंग थी उसके लिए मैं आई हूँ। मैं बोला कि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है तो आपको आना है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। कि यहाँ पे आके देखा तो यहाँ पे सबके काउंटर लगे हुए हैं कि यहाँ पे ये सुविधा है। मैं यहाँ पे 12-13 साल से हूँ, मेरे पास ना तो राशन कार्ड है, ना पहचान पत्र है, और ना मेरे पास कभी कोई गैस की सुविधा मिली है मेरे को, ना किसी और भी, मेरे शोहर को मैंने 15 साल से छोड़ रखा है। क्या सरकार क्या लेने आया अभी यहाँ शिविर में? तो मैं सदस्य के हिसाब से आई हूँ, राजनीता के अंदर मेरा नाम है। कुछ काम हुआ अभी तक शिविर में आपका? अभी तक तो कुछ भी काम नहीं हुआ है। कोई अधिकारी है अभी? अभी यहाँ पे कोई अधिकारी मौजूद नहीं है, अब आने के लिए बोल रहे हैं, अब आ जाए। तो क्या सरकार की योजना का बेनिफिट आपको मिला कि नहीं? सरकारी योजना को अभी तक कोई बेनिफिट ही नहीं है। मैं मदरसे के 2-4 बच्चे हैं उनको पढ़ाती हूँ, और सिलाई करती, सिलाई ज़्यादा नहीं आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरजी है। आरजी,